वह गली गली घूमता और मधुर स्वर में आवाज लगाता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला लगता था कि अपनी बात को पूरी नहीं कर रहा है, परंतु वह कहता था इतने विचित्र ढंग से और गाकर कि सुनने वाले सुनते रह जाते थे। उसका स्नेहपूर्ण मधुर गान सुनकर गली के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का समूह उसे घेर लेता। तब कहीं आसपास बैठकर वह खिलौने वाला अपनी खिलौनों की पेटी खोल देता। खिलौने देखकर बच्चे पुलकित हो जाते। वे पैसे लाकर तोतली भाषा में खिलौनों का मोल भाव करते हुए पूछते, इका दाम का है? और उसका खिलौने वाला बच्चों को दोबारा उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। बच्चे खिलौने देकर उल्लास से उछलते कूदते। खिलाने वाला फिर उसी प्रकार गाते हुए चल देता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस सिरे से उस सिरे तक लहराता हुआ पहुंचाता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। एक दिन राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी खिलौने घर ले आए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलते घूम रहे थे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तो खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछ लिया, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए? मुन्नू ने उत्तर दिया, 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? बात जरा सी थी तो रोहिणी ने ज्यादा न विचारा और अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे थे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो बड़ा प्रवीण है। मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली ही बेचा करता है, परंतु दाम तो देखो, 2 पैसे, 2-2 पैसे में मुरली, भला इससे उसे क्या मिलता होगा? इतने में तो मेहनत भी वसूल नहीं होती। एक व्यक्ति बोल उठा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं। उसे उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गलियों में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, रोहिणी ने मुरली वाले का वह स्वर सुना, उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मन ही मन बोली, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। वह उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाइए तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं, क्या जाने यह फिर आए ना आए। विजय बाबू बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह से दे रहे हो मुरली? यह सुनते ही मुरली वाला हर्षित हो उठा, बोला, हाँ हाँ सबको देंगे। हाँ बाबू जी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यह सुनकर विजय बाबू मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सभी को इतने पैसे में देते होंगे, पर एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। यह सुनकर मुरली वाला अचकचा गया, बोला, बाबू जी इनका वास्तविक दाम तो 3 पैसे ही है, आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे यह भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। मुरली वाले ने 2 मुरलियां निकालकर उन्हें दे दी। मुरलियां लेकर विजय बाबू घर के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग कहते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यह ले लो, बाबू राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुम्हें वही देंगे।
यह लो, तुम्हें वैसी न चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा, यही लो, पैसे नहीं है। अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे। अच्छा, यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही तो निकाल रखी थी। तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने घर में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। उसने आज भी अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सामान भी कैसे सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। 8 मास बाद शीत ऋतु थी। रोहिणी स्नान करके घर की छत पर बाल सुखा रही थी कि नीचे गले में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर परिचित था। रोहिणी झट से नीचे उतर आई और वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, हे मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ जी कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अलावा ये खांसी में भी फायदेमंद हैं, खांसी दूर करती हैं। बताइए कितनी दूं? 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। मिठाई वाले ने कहा, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी किस तरह दे रहा हूँ। यह अब मैं आपका क्या, खैर मैं अधिक तो न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। रोहिणी पूछ बैठी, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, वह बोला। रोहिणी का अनुमान सही निकला, वह अब उससे कुछ और भी पूछने के लिए अधीर हो उठी। मिठाई वाले ने बताया, मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिल पाता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मुझे चाहिए भी। सो कैसे मिल पाता है, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप ही जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। भला जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। मिठाई वाला गंभीरता से बोला, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे मानो सजीव खिलौने, उनके अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला देखिए, अब कोई नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल पाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर किलकारियां मार रहे हैं, खेल रहे हैं। रुपये पैसों की कमी थोड़ी ही है जो मैं यह सब करता हूँ, आपकी दया से ईश्वर का दिया सब कुछ है, रुपये पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस रीति से उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगी। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोल उठा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज फिर गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद।